सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो पहले तो आपको थोड़ा सा सरप्राइज भी होगा कि जो आपने थंबनेल में देखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की रफली 500 वैकेंसीज हैं, कि उसमें क्या लिखा है और सर ने अंदर क्या चीज़ें बताई है। देखो, अभी इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा आप लोगों को बेनिफिट है। जो ऑल्दो कि मैंने ये चीज़ें आपको हर कॉलेज में आके मैंने सेमिनार्स में बोला है कि अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट स्पेशली द जॉब्स, आने वाले टाइम में जॉब्स का बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसीज आने वाली हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न उसके पीछे पॉपुलेशन है, क्वालिटी लाइफ आप लोग डिमांड करते हैं, सर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, सारा सिस्टम हमें अच्छा मिलना चाहिए। अब एक ही तरीके से पॉसिबल है यार कि हमें गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही तरीका करने का कि जिसमें अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे तभी चीज़ें ग्रो कर पाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो। उसमें से एक एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी, जिसमें 500 वैकेंसी हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपकी जो मेन ब्रांचेज हैं 4-5 वो सारी इसमें एलिजिबल हैं। कितना वैकेंसीज है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांच वाइज। लेकिन उससे पहले आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो थर्ड ईयर में है या जो फाइनल ईयर में है, जो गेट द जो 2025 या 2026 टारगेट कर रहे हैं, गियर अप कर लीजिए बच्चों, बहुत वैकेंसीज आएगा आप लोगों के लिए। और भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट मार्केट में नहीं है, स्पेशली कोर ब्रांच का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बीच में ऐड कर दूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए ठीक है प्राइवेट में वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें भी अब थोड़ा सेचुरेशन आने लग गया है, थोड़ा मार्केट डाउन की तरफ आने लग गया है, रिसेशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती चली जा रही हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो 2025 के लिए, 2026 का गेट का एग्जाम टारगेट करो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, मेरे से करो, कहीं से भी करो, लेकिन अपना प्रिपरेशन करो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अब एक और चीज़, सीटें खाली चली जा रही हैं। रीज़न उसके पीछे ये है, कैपेबल पीपल नहीं मिल रहे हैं भाई, पावर ग्रिड को नहीं मिल रहा, महारत्न PSU उसको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, आपका दिस सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न है उसको बच्चा नहीं मिल रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी बच्चा नहीं मिल रहा है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बच्चा नहीं मिल रहा है, वैकेंसीज आ रही हैं स्टेट के अंदर, JEE में, पंजाब में वैकेंसीज आ रही हैं, बैकलॉग आ रहा है, कैपेबल लॉग नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ते हो, ये पहली चीज़ तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसके बिना आप तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो आप लोगों को एक मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए आपके अपने बेनिफिट के लिए, कि टारगेट करो गेट 2025 और गेट 2024, क्योंकि अगले आने वाले 3-4 साल बहुत क्रूशियल आप लोगों के लिए, 4-5 साल बहुत क्रूशियल हैं, और जो इस फेज में निकल जाएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जगह पर पहुँच भी जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे, मैं अरविंद जैन से बात कर रहे थे कि सर आज के टाइम पे जितना इजी है गवर्नमेंट जॉब लेना उतना शायद कभी भी नहीं रहा है, बहुत इजी है, वैकेंसीज इतनी ज़्यादा और बच्चा नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ कम से कम आने 3-4 वाले साल के लिए, राइट। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2 जॉब्स बहुत बच्चों के उसके ऊपर होता है प्रायोरिटी पे, रेलवेज का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, राइट। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2024 के थ्रू का एक नोटिफिकेशन है, ऑल्दो मे बी जो आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में आप लोगों के लिए नहीं है वैलिड ये, लेकिन डेफिनेटली ये इससे मोटिवेशन जरूर मिलेगा इसको देख के, नंबर ऑफ वैकेंसीज को। सिविल 90 वैकेंसीज, 90 वैकेंसी सिविल के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल 106 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स 278 वैकेंसीज, 278, और IT कंप्यूटर साइंस भी इसमें एलिजिबल होता है जिसमें 13 वैकेंसीज। पिछली बार भी ये ऑलमोस्ट हर साल गेट के थ्रू ही करते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा आप लोग देख लीजिएगा, जो भी रिलैक्सेशन या जो भी है वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा, उसमें मेरा पॉइंट नहीं है इस वीडियो का पर्पस वो चीज़ें बताने का, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ऑल्दो इसमें नहीं है वैकेंसी नहीं आया, लेकिन और बहुत पब्लिक सेक्टर हैं जो अपना टेस्ट निकालते हैं जिसमें ह्यूज वैकेंसी रहता है। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 200+ वैकेंसीज आई थी इसके अंदर, जिसमें आपका 63 वैकेंसीज मैकेनिकल का, 100+ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स का, IT का, सारी ब्रांचेज का था उसमें। तो वैकेंसीज बहुत आती रहती हैं विद गेट एंड विदाउट गेट, लेकिन आप लोगों को एक पहले प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को नॉर्मली हर सेशन में जाके बोलता हूँ कॉलेज में जाके, कि आप अपना सेशन अपना प्रोसीजर फॉलो करो, इस प्रोसेस से निकलो गेट प्रिपरेशन वाली, सो दैट कि तुम्हारा एक लेवल बने, तुम्हारा कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बने, तो जाके आप लोगों के एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट होंगे, राइट। मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मेरे से कोई डिस्कशन करना है, सब टाइटल में मेरा नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर लो मेरे को, डिस्कशन करना स्टार्ट करो और अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो,
राइट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो, फास्ट फाइनल ईयर है, अपनी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओ, थर्ड ईयर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओ, सेकंड ईयर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओ, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो अगले 3-4 साल में पास आउट होंगे। याद रखना मेरी बात, हो इसको क्लिप को कट करके रख लो कि आने वाले 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर आप लोगों ने अगले 3-4 साल का बेनिफिट नहीं उठाया, और जो उठा जाएंगे और उसके 4-5 साल के बाद जब आप कंपैरिजन करेंगे अपना उन लोगों के साथ जिसने इसका बेनिफिट उठाया, तो सिर्फ रिग्रेट ही होगा, पछतावा ही होगा और कुछ नहीं होगा। राइट, डिस्कशन करना चाहिए मेरे से, चाहते हो मेरे से कर लीजिए और अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।